कपड़े कहां से लिए साईं? 5 साल बाद अमरीका तो आया घर बांधे कहना रेत ले आओ बजरी लाओ सीमेंट लाओ वो कहना तू अमरीका तो की लैके आया कहना मैं नक्शा लाके आया तारफ करा दे पुराने आए ना एंकर एंकर आ तो तारफ करा दे ए वो जान साहब करा दे हां जी अस्सलाम वालेकुम बैठो वालेकुम ये जी साईं हमारे इलाके का जी 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 वालेकुम अस्सलाम मेहमान मेहमान साईं आए कपड़े अच्छे पहने हैं तो बंदे का पुत्र बनी मेहमान है मेरे इतने अच्छे कपड़े कहां से लेके आए हो नहीं आ आप इधर ही आ जाए मैनू नहीं कहा नहीं अच्छा आप इधर बैठ ये जी हमारे मोहल्ले का काउंसलर है साईं है और मैं तुम्हारा तारफ करा रहा हूँ वो अपना करा रहे है ये साईं नहीं लग रहा जी जान के कुन्ना होया साईं तुसी तो खबर पढ़ते भाजी साईं जी भी एक खबर चला दे क्या बड़िया दुआवा देगा केड़ी खबर चला दे के एक लड़का और लड़की शादी करना चाहते थे उनके घर वाले अदालत पहुंच गए भाजी भाजी वो जो लड़की है ना मुझे सलमान भाई बोलती उधर ही चले जाओ आशा उधर घर पे आए मेहमान को ऐसे नहीं कहते भी परौने सिर मथे थे मेरी बात साडे मेहमान भाजी सवाल कर रहा उन्होंने कारा वा इतने खलो के कर ला भाजी खबर पढ़ते हो जनाब कहते हो नाजरीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक म्यूजिक चलता कुड़ी ते मुंडा होंगे तो तुसी आपस में म्यूजिक च केड़ियां गल्लां करदे हो सबसे कॉमन सवाल उठ उठ ही बात है सबसे कॉमन सवाल उठ उठ मैं तेरे ज़हन नाचने जाऊं तेरे ज़हन से जो है ना मेरे को पता है मुझे ये नहीं बताएगा मैं फिर जा रहा हूँ ये कपड़े कहाँ से लिए इतने अच्छे तेनू कहाँ से नहीं दस दिए वैसे साईं आपस की बात है आज प्यारा लग रहा है मान से अच्छा अच्छा लंदन तो उन्हें फिर लंडे तो लेके देते एक तो मैं पा लिया कोट ये कौन है मैं उतरमा सॉरी मैं अब्रप्ट अंदर आ गई मुझे गुस्सा ही इतना है ये शख्स ये निहायत धोखेबाज इंसान है आप जानते नहीं इसने क्या किया है मैं पढ़ी लिखी लड़की और मैं न्यूज़कास्टर बनना चाहती हूँ इसने बताते हो क्यों नहीं कि तुमने क्या किए मैंने 50,000 लिया ना हाँ लिए मैं यही कहने वाली थी कि मुझसे 50,000 रुपया लिया इसने मुझे न्यूज़कास्टर बनवाने के लिए तू न्यूज़कास्टर ही बनना ना हाँ मैं सवाल का जवाब दे तेन बढ़ा देने सच्ची अभी सवाल का जवाब दे पूछो क्या पूछ रहे तेरा फोन नंबर की है वो बैठे हैं पीछे न्यूज कास्टर आप उन लोगों से मिला मैं यही तो बनना चाहती हूँ अच्छा, इधर आप आए आप इधर आए बैठे 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 आप इधर बैठे साईं जी करो आप इधर आप इधर बैठो आप इधर बैठो इधर बैठो साईं आप नहीं बोलना बताओ क्या हुआ है इसने 50,000 रुपया मुझसे लिया है कि मैं तुम्हें न्यूज़कास्टर बना दूंगा आप आपका भी दिमाग नहीं है आपने इसको 50,000 दे दिया इसे खुद मोहल्ले में कोई नहीं जानता ये आपको न्यूज़कास्टर लगवाएगा मुझे तो कहना मैं साईं है तो लोगों को 50,000 रुपया न्यूज़कास्टर पढ़ने का शौक है अरे मलबू साहब के थोड़ा लेने मलबू साहब मलबू साहब जी जी सर इन लोगों के शागिर्द हूं ये जो जनरल लोग हैं इनके शागिर्द हो मैं तुम खबर पढ़नी आनी है
तुम जैसे इंसान मिले ना, तुम्हें तो पाकिस्तानी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। इतनी बिस्ती 50,000 में? हाँ। और कितने पैसे हैं तेरे? 50,000। ओ माफ कर दे। इधर आ। चलो, चलो, चल भाग जा इधर से। भाग जा इधर से, मैं तुम्हें बता दूँ माफ कर दे। अच्छा चलो 50,000 का बाद में फैसला करेंगे। आ, ये खबरें पढ़ते हैं जी, मैं जानती हूं। इनसे पूछो, आप इन्हें बताएं और जो सही तरीका है किस तरह आना चाहिए। इस तरह के लोग जो हैं वो लूटते फिरते हैं यहाँ बैठ के आजकल। अच्छा वैसे ना ये बात इन्होंने बिल्कुल सही। अरे गाड़ो, कैसे आप? ठीक ठाक कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखो कौन लोग। आई नो देम। तो देखा कि ये दोनों कौन है? वो तो साई है। वो एडा मुंह तेरा, तू पानी चढ़ा के सोना। इधर बैठ। ओके इसने इधर आ जा। क्या कर रहा है? ये मेरा भाई है जी, बबली। अच्छा, आई एम बबली। सर प्लीज कैरी ऑन, आप प्लीज कम टू द पॉइंट। हां जी, असल बात ये है कि 50,000 इसने लिए हैं कि मैं न्यूज़कास्टर बना दूंगा, एंकर बना दूंगा जी। नहीं तो ऐसे तो एंकर नहीं बन सकते ना कोई। कैसे बन सकते हो? शौक तो कोई शक नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है। शौक इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? उर्दू वाला। इंग्लिश वाला आती है उर्दू वाले शौक में ना, लेकिन सबको लगता है इंग्लिश वाला शौक है। वो आपको बाद में लगता है शौक। एग्जैक्टली, आप समझते हैं ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो मैं भी करके कर सकता हूँ। बात की नहीं हमें, अभी आपको देख के भी शौक लग रहा है। मतलब इंग्लिश एक होती है जनरल अवेयरनेस, आम इंसान को क्या पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज ये है कि इससे ज्यादा क्या पता होना चाहिए। ये आपको बिसाइड इसके सबसे पहले आपको ये जनरल नॉलेज होना चाहिए। शौक भी है और उसके बाद कंटेंट और बाकी। आयशा आप बताओ। बहुत से ऐसे इदारे खुल गए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस खुल रही हैं जो कहते हैं कि हम 10,000 देंगे, 20,000 देंगे और आपको एंकरिंग सिखा देंगे और फिर उसके बाद आपको आपका कोई फ्यूचर नहीं होता। आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो उससे रेलिवेंट स्टडी आप वो करें। और अगर नहीं भी देखें, अब बात ये है कि लोग कहते हैं कि आप मैथ्स कॉम करेंगे तो ही शायद आप मीडिया में आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने मैथ्स कॉम नहीं किया है लेकिन मैं मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। आपकी हाँ एजुकेशन होनी चाहिए, इसके अलावा फिर आप अपनी सीवी ड्रॉप कर दें, डायरेक्ट चैनल को भेजें। आप यहाँ वहाँ भेजने की बजाय आप डायरेक्ट चैनल को भेजें और जब चैनल में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हर चैनल में आती हैं। और ये 50,000 रुपए ना दें, ये मीडिया एक ऐसी फील्ड है कि इसमें इंट्रोड्यूसर जरूर चल सकता है क्योंकि उसने आपने उसको 50,000 दिए, वो उसने आपको वहां तक भेज दिया। ऑन ग्राउंड तो आप नहीं है, एक दिन का काम है सिर्फ। हाँ। एक दिन में इंसान पता चल जाता है कि इसमें ये कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या समझा? वेरी गुड। दो दिन में। अच्छा जी भाई, मेरी जान को दो चीज हो गई है, आपकी लड़ाई खत्म हो जाए। हाँ। अपना बॉस चांस मिल सकता है प्लीज। हम 50,000 की जान छूट जाएगी, इसकी भी जान छूट जाएगी, इसका शौक पूरा हो जाएगा। ये कतन गलत बात है, इन साहब ने 50,000 रुपए लिए, इनको वापस करने चाहिए। यही पूरे पाकिस्तान का हाल, चलो देखी जाएगी। चलो, और जैसे वही हम बात करें, हम नियो में हम पाकिस्तानियों की आवाज बन रहे हैं तो अब उनकी आवाज बन रहे हैं। आप उनको एक चांस दे दें, इनके 50,000 बैलेंस हो जाए। यस प्लीज। एक चलो ठीक है, आप हमारे ऑफिस आ जाएं। आपके चैनल्स पे आ सकते हैं। सीवी है आपके पास? सीवी जी जी है। आप न्यू चैनल के गेट पे जाएं। जी जी। अब क्या हुआ? एक ऑफिस मिल रहा। मैं फिर आ गया। ओए मैं फिर ना ही समझा सलमान साहब। हां आशा जी, ना ही समझूं मैं पक्की ना। अच्छा कौन साहब है जी आप? सर किधर आए हैं? ओ भाई जी कौन है आप? अच्छा हाँ, आप इनको चांस दे सकते हैं। झूठ ही बोल रहे हैं ना? हाँ। ए सलमान जी ते ए आशा जुल्फकार जी, आओ जी। ये ना करो, ये अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट जो पूरी हो गई है। तुम्हारे घर में बहुत मजा आया, मुले गटानी सूप नहीं मिला। वो तो मिलना चाहिए। लेकिन लेकिन डिजायर जो है वो सेटिस्फाइड हुई, मजा आया आपके साथ। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपकी मेहरबानी। आप हमारे घर में आइए जी। अच्छा आपको हमारे घर आके कैसा लगा ये जरा खबर पढ़ने के अंदाज में? कि आज हम जॉन के घर गए और कोई शक नहीं, जॉन के हर कंडक्ट में लग रहा था कि जैसे उसने हमें अपनी जान के तौर पर ही लिया है। मेहमान नवाजी नहायत खूब थी, कोई शक नहीं, मुलाजमीन भी ऐसे लग रहे थे जैसे इसके घर के फर थे। जो बता रहे थे कि जॉन की तरबियत आखिर उसके वालदैन ने कैसे की है। कोई शक नहीं, जॉन कभी भी बुलाए बेझिझक जाए,
खूब एंटरटेन करेगा। बहुत शुक्रिया। एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।